हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ICAI आखिर अपने कॉपीज को, लॉ की कॉपीज को चेक कैसे करता है। तो आइए, ये वीडियो खास आपके लिए है ताकि आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएं, इस वक्त अपनी तैयारी कर रहे हो, तो ये देख सकें कि भाई किस तरीके से नंबर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में अभी भी यही रहता है, बिकॉज हम लोग 12th से निकल करके आते हैं कि भाई कहीं पूरे में से पूरे मार्क्स हमको मिल जाएंगे क्या, तो कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आपको कैसी तैयारी अपनी करनी है, उन सब पर बात हम आज यहाँ पे इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। चलिए जी, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर हमको ये बता दीजिए कि पर एक्ट जो है उसका वेटेज कितना है। तो पहले भी कई बार आपको मैंने बताया है, लेकिन फिर से जिनको नहीं पता है वो लोग सुन लीजिए, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने वाला है 15 से 21 मार्क्स का, बराबर, जो वेटेज है आपका पेपर का CA फाउंडेशन के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 से 21 मार्क्स का है, बराबर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका रहेगा 12 से 15 मार्क्स का। पार्टनरशिप एक्ट भी आपका है 12 से 15 मार्क्स का। LLP जो है, लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप, वो 3 to 6 मार्क्स का है, जबकि कंपनीज एक्ट आपका जो रहेगा वो 9 to 12 मार्क्स का रहेगा। तो ये वेटेज आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप लोग उस तरह से अपनी तैयारी को करेंगे। अब मेरे पास में इस वक्त में नवंबर 19 का पेपर है, क्योंकि उसके बाद कोई अटेम्प्ट हुआ नहीं है। तो नवंबर 19 की जो कॉपी आप लोग देख रहे हैं, और इस कॉपी में आप लोग जिस तरह से देख सकते हो कि जो मार्क्स दिए गए हैं प्रॉपरली, 100 में से 56 मार्क्स यहाँ पे अचीव किए गए हैं, बराबर। और जिसमें से अगर लॉ की बात करूं तो आपको भी पता लग जाएगा कि लॉ में कितने मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स लॉ प्लस BCR के मिला करके हैं, बराबर। बिल्कुल पास आउट स्टूडेंट की कॉपी है, जो इस वक्त CA इंटरमीडिएट के अंदर है उसका कॉपी है ये। तो आप लोग देखें कि भाई कितना पेपर में क्या लिखा गया, क्या होना चाहिए था, कहां मार्क्स कट हुए नहीं हुए, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आप इसका देखेंगे अभी, तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में मेरे, कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1 का A, B और C, बराबर। हर एक क्वेश्चन 4 यानी टोटल 12 मार्क का ये क्वेश्चन था, जिसमें से स्टूडेंट ने अचीव किए 6 नंबर, यानी हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर मिले हैं, 2 नंबर हमारे कट हुए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां से चेक करते हैं कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था और उस क्वेश्चन का आंसर में क्या इसने लिखा और क्या होना चाहिए था। तो मैं आपको साथ में दिखाता भी जाऊंगा। आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जिस वक्त आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं, मैक्सिमम पार्ट आपका खत्म हो चुका है, तो हर आंसर को आप बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट पॉइंट आपको पता ही है कि कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ते हैं, 5 में से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, रिमेनिंग 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्स फाउंड ए वॉलेट इन रेस्टोरेंट, ही इंक्वायरीड टू ऑल द कस्टमर प्रेजेंट देयर, बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड, ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट टू कीप टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड, आफ्टर ए वीक ही वेंट बैक टू रेस्टोरेंट to inquiry about the wallet, the manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him, बराबर। तो आपसे पूछा गया कि क्या X यहाँ पे ये manager से recover कर सकता है क्या? एक बड़ा question students का हमेशा ये रहता है, हमको कैसे पता लगेगा कि ये question Indian contract का है, क्योंकि कई सारे provision Indian contract और sales of goods के एक जैसे हैं। तो आपको ऐसी जगह पे दे रखा होगा, question paper में दे रखा होगा कि आपको अपना answer Indian contract act के हिसाब से देना है, और मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हमारा मैटर है। तो आइए देखें इसको इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में क्या आंसर लिखा है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स, अगर आप सेक्शन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली, बराबर, बहुत क्लियर लाइन है। फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या क्या करेगा, आप सबको पता है कि भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह उसकी बराबर लुक आफ्टर करेगा, उन गुड्स को एप्रोप्रिएट खुद के काम में नहीं लेगा, उनको रीस्टोर करेगा जब उसका ओनर उसको मिल जाएगा, बराबर। इन द लाइट ऑफ आवर प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू एक्स, उसको एक्स को मैनेजर को वापस देना पड़ेगा, सिंस एक्स इज एंटाइटल टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, यानी ट्रू ओनर जो है उसके बाद में सेकेंडरी अगर ओनरशिप किसी के पास में आती है तो वो आने वाली है फाउंडर के पास में, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए,
बराबर। तो बच्चों आप जैसा देख सकते हैं ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के अंदर इतना मैटर आपको दिया गया है, 4 नंबर का ये मैटर है बराबर। तो कई बार लॉ में भी मार्किंग्स के अंदर डिविजन्स होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई डिविजन रहा होगा, पूरे 4 नंबर है। कॉपी चेकर को कहा गया होगा कि अपने हिसाब से आप देखिए कि क्या आंसर लिखा स्टूडेंट ने और उसको नंबर दीजिए। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, जिससे आप लोगों को नॉलेज में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपकी कॉपी चेक होती है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्टेप्स जहां आपको नंबर दिए जाते हैं, बराबर एक ही स्टेप इसके अंदर है, 1 2 दिखेंगे आपको। देखें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71, देखो इसने सेक्शन लिखा बिल्कुल सही लिखा है बराबर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं और क्लियर कर देता हूं इसको, द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज अ राइट टू कीप द गुड्स विद हिमसेल्फ एज अ बेली, बिल्कुल सही पैराग्राफ मैच कर रहा है। ही कैनॉट सेल देम एंड नीदर एनीबॉडी कैन टेक देम ऑफ फ्रॉम हिम, उससे कोई ये गुड्स ले भी नहीं सकता बराबर। अब ये प्रोविजन इतना लिखने के बाद इसने फिर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट पैरा के अंदर, और क्वेश्चन डिस्क्राइब करने के बाद उसके नेक्स्ट पैरा के अंदर जाकर के उसने फाइनल आंसर लिखा है, एक्स कैन रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर एज ही वाज टू कीप इट विद हिमसेल्फ एंड टू ट्रेस द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स एंड कैन ओनली सेल इट, द गुड्स आर पनिशेबल आर पेरिशेबल नेचर और इज एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2/3, ये सारी बातें लिखी, मतलब पूरा प्रोविजन लिख दिया। अब यहां बच्चों सबसे बड़ी कमी देखो, कॉपी चेकर को मान लीजिए 4 मार्क्स में इंस्ट्रक्शन होता है कि 2 नंबर आप उसको या 3 नंबर आप उसको देना प्रोविजन के और 1 मार्क देना कंक्लूजन का, ध्यान से सुनिएगा, 3 मार्क मेन प्रोविजन 1 मार्क का कंक्लूजन, लेकिन प्रोविजन के नाम पे यहां स्टार्टिंग में खाली इतना ही मैटर जो आप लोग देख रहे हो वो दिखा, वो नंबर कहां से मिलने वाले थे बराबर, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। प्रोविजन के नाम पे तो सिर्फ वो बेली वाली बात आ गई, वो जो सारी लाइंस थी लुक आफ्टर करना है, देन उसके बाद में रिटर्न करना है, देन उसके बाद में खुद के यूज में नहीं लेना है, इन्होंने कहीं कहीं लिखा लेकिन बीच में डाल करके फाइनल आंसर के साथ जगह जगह पे लिख दिया। कॉपी चेकर स्टार्टिंग प्रोविजन देखेगा, आपका प्रोविजन वहां नहीं मिल रहा है, उसको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आपके मार्क्स कटेंगे, है ना। तो प्रॉपर प्रोविजन यहाँ पे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आंसर सही जरूर है लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। एक्स कैन रिकवर वॉलेट बैक फ्रॉम मैनेजर, आपका फाइनल आंसर करेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ सारी खिचड़ी पक गई तो यहाँ पे मार्क्स उड़े। तो जैसा आपको कहा गया प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए था, अगर होता तो यहाँ पे मार्क्स मिलते, अदरवाइज जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये देखिए 4 मार्क का हमारा क्वेश्चन था जिसमें से 2 मार्क इसको यहाँ पे मिले हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने इस तरीके से किया है बराबर। चलिए जी अब आपको लेके आता हूं मैं इसके फर्स्ट के बी के ऊपर, आपको मैं लेकर के आ रहा हूं और देख लेते हैं पहले कि हमारा क्वेश्चन था क्या। चलिए जी अब बी वाला क्वेश्चन बच्चों ये था, मिस्टर अनिल फॉर्म्ड अ 1% कंपनी ऑन 16th April फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कार, द टर्नओवर ऑफ ओबीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019 वाज अबाउट 2.25 करोड़ बराबर। कई लोग कंपनी कर चुके होंगे या जब भी आप कर ले तो क्वेश्चन देखिएगा, हिज फ्रेंड सुनील वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन हिज ओबीसी so they decided to convert it voluntarily into a private company, वो एक private company के अंदर convert होना चाह रहे हैं बराबर। Now can Anil do so, क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? अब आप सब जानते हो कि भाई 2 साल तक आप convert नहीं हो पाओगे, हाँ सिर्फ conditions में हो सकते हो, अगर आपका capital बढ़ गया हो 50 लाख से या turnover आपका 2 करोड़ से ऊपर का हो, तो मेरे ख्याल से provision आप लोगों को ध्यान में है बराबर। तो अब हम लोग देखते हैं पहले इन्होंने क्या answer आपसे suggest किया है, मतलब क्या ये मांगते हैं। अब सबसे पहले इन्होंने सब रूल वगैरह लिख दिया, सर ये हमको नहीं आता हो तो चलेगा, आप सीधा सीधा सा ओपीसी का सेक्शन लिख के भी आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ओपीसी कैनॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कन का। अच्छा आपको ये भी बता दूंगी, अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन है, अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड, ये अपनी लाइन दी बराबर, एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट जो है पेड अप शेयर कैपिटल की वो 50 लाख से ऊपर नहीं चली जाए, या उसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं चला जाए, 2 करोड़ से ऊपर नहीं चला जाए, सीधा सीधा प्रोविजन है ये प्रोविजन लिख करके बच्चों पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि डेट का क्वेश्चन जब भी होता है तो बहुत सही ये रहता है कि आप उनको डेट्स दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया 16 अप्रैल को ये था, 31 मार्च को ये हो गया है, हालांकि 2 ईयर अभी तक, इवन 2 ईयर हैव नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन टर्नओवर जो है वो 16 अप्रैल से 31 मार्च का जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर चुका है 2 करोड़ से, सो अनिल कैन कन्वर्ट ओबीसी टू प्राइवेट कंपनी अलॉन्ग विद सुनील, ऐसे फाइनल आंसर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए था बराबर। अब देखें कि स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है वो किस तरीके से लिखा होगा, आइए अपन वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से लिखा गया, आइए देखते हैं। चलिए जी
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262, बिल्कुल सही है, क्लॉज 62 आपने लगाया ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी फॉर्म विद एनी अदर पर्सन एज इट्स मेंबर। चलिए भाई ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखने का यहाँ पर ट्राई किया, ओके, वन पर्सन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी फॉर्म विद ओनली वन पर्सन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सवाल ये हुआ कि स्टार्टिंग लाइन भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, वन पर्सन कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, फिर मुझे यहाँ पे और दिखाई दे रहा है और अ कंपनी फॉर्म विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। आप सीधा लिखो ना भाई, फॉर्म बाय वन पर्सन, बराबर, जो अपनी डेफिनेशन है, एन ओबीसी कैन नॉट वॉलंटरली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी अंटिल टू ईयर हैव गॉन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, हाउएवर ओबीसी कैन कन्वर्टेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी फॉर्म विद इन टू ईयर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर। अब यहाँ पे एंड टर्नओवर एक्सीड रुपीज 2 करोड़, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, पहले तो वो अपन देख लेते हैं, बराबर। ये देखिए, जब हम प्रोविजन को पढ़ते हैं तो प्रोविजन कहता है आपको बहुत सीधा सीधा सा बच्चों, 50 लाख और टर्नओवर की कंडीशन के बीच में और होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अपने को चाहिए, बराबर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन रिक्वायर्ड थी, यहां इन्होंने लिख दिया है क्लियर कट, आप लोग देख सकते हैं मेरे हिसाब से, 50 लाख एंड टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, आपका प्रोविजन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। आंसर भले ही फाइनल वाला आपका सही चला गया, लेकिन प्रोविजन में यहाँ पे एक बड़ी गड़बड़ कर दी गई है। एंड का मतलब आप लोग सब जानते हो, दे हैव टू कंप्लीट बोथ दी कंडीशंस, बराबर, जबकि यहाँ पे एक कंडीशन से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। टर्नओवर ऑलरेडी आपका एक्सीड है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हेंस अनिल कैन डू सो, ये सब आपने लिखा, तो यहाँ पे भी 4 में से 2 मार्क्स है सर, कहाँ कटे, एक तो डेट्स का कहीं पे कंक्लूजन आपका सही नहीं है, है ना, आपने सही लिखा, 4 में से 2 मार्क्स आपको मिल गया, आपका प्रोविजन भी बहुत कुछ सही है, लेकिन प्रोविजन की सबसे बड़ी गलती बच्चा और की जगह पे आपने एंड लगा दिया, मारे गए वहां पे अपन, प्रोविजन ही चेंज हो गया, एंड और तो लॉ की बिल्कुल इंटरप्रिटेशन को चेंज कर देता है, बिल्कुल बराबर। और दूसरी बात, डेट्स कहां से 2 इयर्स हो रहे हैं, नहीं हुए हैं, क्या है, वो सब थोड़ा सा लिख देना चाहिए था यहाँ पे, इस वजह से 4 में से 2 मार्क आए। तो कई बार आप लोगों को लगता है, देखिए मैं इस बारे में नहीं पढ़ रहा हूं कि आईसीएसई कॉपी चेक कर रहा है नहीं कर रहा है क्या हो रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी क्या मिस्टेक्स हो सकती है, उनको हम दूर कर दें भाई, उससे ज्यादा अपन कुछ भी कर नहीं पाएंगे, हमारी मिस्टेक्स को इस वक्त के अंदर हम जहां जहां दिख रही है वहां वहां रेक्टिफाई कर देंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना जहां दिख रही है, बराबर। चलिए जी, अब आपको लेके चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के फर्स्ट चैप्टर में आपका एप्रोप्रिएशन का हमारा एक सीधा सीधा सा आपको पॉइंट दे रखा है और उसका पूछा है आपको कैसे लिखना है। आइए, 4 मार्क का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 12 मार्क का, देखिए इंस्टीट्यूट इसका आंसर कैसे देता है। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन सेक्शन 23 इसके ऊपर लगता है, आप लोग सब जानते हो ये एज इट इज लैंग्वेज नोट्स में होती है, स्टडी मैट में है अपने, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स से होता है और इसकी एसेंशियल्स क्या है बच्चों, सीधे सीधे से इतने सारे पॉइंट है सबको ही पता, ये तो कि गुड्स अनअसर्टेन होगा, देन डिस्क्रिप्शन क्वालिटी से होगा, डिलीवरेबल में होना चाहिए, अनकंडीशनली दोनों में से कोई भी करेगा, एप्रोप्रिएशन कोई भी कर सकता है विद कंसेंट से, और ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है, बिफोर आफ्टर एप्रोप्रिएशन हो सकता है, डायरेक्ट आंसर है, सब जगह दिया हुआ रहता है ना, तो आप जिधर से भी पढ़ रखे होंगे आपने ये आंसर आपको पक्का दे रखा होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ हमारा आंसर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या, आइए कर लेते हैं चेक, क्योंकि यहाँ पे भी मिले हैं 2 ही नंबर, बराबर, अगेन 2 नंबर मिले हैं, तो सर क्या इंस्टीट्यूट पकड़ के बैठ गया क्या, हर जगह पे 2 नंबर ही दिए जा रहा है, देखते हैं कहाँ दिक्कत है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो है आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स 1930, शुरुआत बहुत सही, अनअसर्टेन गुड्स नीड्स टू बी असर्टेन बिफोर दे आर टू बी सोल्ड, ओके, गुड्स कैन बी असर्टेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद पैकेजिंग ब्रांडिंग, उसके बाद में और क्या लिखा हुआ है, जो भी है लेबलिंग and setting it aside and be ascertain and once they are ascertain notice to the buyer। अब ये बच्चों starting वाले पैरा की अपने को जरूरत ही नहीं थी क्योंकि question practically अपना ये था ही नहीं, बराबर, हमसे question पूछा क्या गया है, आप देखें state the various element जो unascertain goods के अंदर होते हैं, बराबर, और उसके साथ ही तो आपको सिंपल उसका मीनिंग वाला जो पॉइंट है अनअसर्टेन वाला वो देकर के और जो फाइनल आंसर जैसा आप लोगों के नोट्स के अंदर होता है वो आपको देना चाहिए था, तो इस पैरा की जरूरत ही नहीं थी, है ना। फिर हमने आगे लिख दिया कि गुड्स कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय रूल्स ऑफ फॉलोइंग, रूल्स आपने लिखने का कोशिश यहाँ पे किया लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है भाई, सिलेक्शन ऑफ दी गुड्स वाली जो लाइन हमारी मेन होती है जहां से आंसर चालू होता है बच्चों, वो सारी की सारी लाइन यहाँ पे गायब पड़ी है, उतने में आंसर हमारा खत्म कर दिया इन्होंने, समझ रहे हैं आप बात को, ये देखिए इतने में आंसर जो है वो यहाँ पे
कंप्लीट कर दिया गया है, तो इस आंसर को जब ऐसे कंप्लीट कर दिया गया तो पूरे में से पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो नंबर कटे हैं वो इस वजह से आपके कटे हैं, जो नॉर्मल नंबर थे आपको दे दिए गए, अदरवाइज एक एक नंबर सब में बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए अपना। 3-3 मार्क्स में मान के चलता हूँ कि आने ही आने चाहिए अपने, 4 वैसे 4 आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मुश्किल लगता है मुझे कि शायद वो दिए जाए, बट फिर भी आपको उतना तैयारी तो करके जाना चाहिए और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए बच्चों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने उसके बाद में अटेम्प्ट किया है, बराबर। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 12 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड इधर स्क्रीन के अंदर, 12 में से 8 मार्क्स इनको मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7 का है जिसमें से 2A में 5 मिल गए, फिर 5 में से 3 मिल गए हैं और 7 में से 5 मिल गए हैं, इस तरीके से नंबर मिले हैं। तो सर यहाँ तो पूरे में से पूरे दिख ही नहीं रहे, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ 7 में से 6, 5 में से 4, 7 में से 6, यहाँ तक की मेहनत हमको कर लेनी चाहिए तो हम बेस्ट जगह पे पहुंचते हैं, बराबर। चलिए जी, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारा क्वेश्चन। आइए 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 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइए जी क्वेश्चन नंबर सेकेंड के, और दो पार्ट हमारे पास में आ गए। एक मिनट मैं यहां से वापस देख लेता हूं कि क्वेश्चन सेकंड, अच्छा क्वेश्चन सेकंड के दो ही पार्ट है ए एंड बी, यस। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 और 5, तो इनको यहां मिला है 5 में से 3 और 7 में से 5, यस बराबर। ये तो दो वापस इसी का रिपीट होता है कि एक क्वेश्चन यही वाला यहाँ लिखा है और यही वाला वहां लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। दो ही क्वेश्चन है, 2 का 8 2 का 2, 7 में से 5 मिले, 5 में से 3 मिले, टोटल 12 मार्क हो गए जिसमें से 8 नंबर इनको यहाँ पे मिले हैं, बराबर। चलिए जी क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर डिस्कस करते हैं। डिफाइन कंसिडरेशन, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर दी लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपसे लीगल रूल्स पूछ लिए गए जो काफी सारे हैं, 9-10 पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं और 7 मार्क का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्वारी आपसे हो गया है। देखिए ऐसे ही क्या चाहता है, सबसे पहले तो डिफाइन बोला तो भैया डेफिनेशन दे दो, 2D की डेफिनेशन होनी चाहिए। फिर लीगल रूल्स में आप देखें इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने स्टडी मैट के हिसाब से अपन देखते हैं, अपने नोट्स में हो सकता है अपने 10 पॉइंट लियो, ठीक है, तो इन्होंने वो सारे पॉइंट वो भी अपन लिख रहे हैं, दिक्कत नहीं है। तो अक्सर आप कहते हैं सर कम लिखना है ज्यादा लिखना है क्या करना है, सर 7 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए इन्होंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे, बेटा यहाँ पे पहली बात तो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, पर पक्का इस क्वेश्चन में अगर 7 नंबर है तो मुझे लगता है कि इसका डिवीजन कुछ ऐसा है, 2 नंबर का आपका ये पोर्शन रहेगा डेफिनेशन का और रिमेनिंग जो है वो 5 मार्क के रहेंगे। तो सर इन्होंने तो आंसर में सारे दिए हैं, देखिए कॉपी चेकर को इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और 10 एलिमेंट है तो बट ऑब्वियस है कोई भी 5 अगर स्टूडेंट ने लिख दिया हो इनमें से तो उसको मार्क्स यहाँ पे दिए जाए। तो सर हम सारे लिखे हैं, कम करें हम क्या करें, आप सारे भी लिख सकते हैं, आप उतने भी लिख सकते हैं जितने आपको अच्छी तरह से आते हैं, इनमें से एग्जाम्पल वगैरह सारे उड़ा दीजिए, इनमें एग्जाम्पल लिखने का कोशिश मत करिए। जब आप बुक से पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट के साथ में केस रेफरेंसेज होते हैं, वो सबकी अब यहाँ आपने को जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आंसर आपका बन जाएगा। तो इतना आंसर करीब आपका बनता है 7 मार्क का हमारा ये क्वेश्चन है, बट ऑब्वियस है बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर भी बड़ा जाएगा, बराबर। तो ये सब आंसर यहाँ पे होना चाहिए था, आइए देखें कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। चलिए जी यहाँ से हमने शुरू किया, इन्होंने 2D के हिसाब से डेफिनेशन देना शुरू किया है, तो मुझे लगता है डेफिनेशन वाला पार्ट तो 100% सही रहा होगा। व्हाट एट द कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, ठीक है। अब अकॉर्डिंग के बाद में अब इन्होंने यहाँ पॉइंट्स लिखने शुरू किए, बच्चों यहाँ एक सजेशन मेरा रहेगा, जो भी पॉइंट इस तरह से लिख रहे हो कम से कम हेडिंग के नीचे अंडरलाइन तो मारी दो, है ना, नहीं तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट साइड में लिखा हुआ है इससे पता लग रहा है कि ये फर्स्ट पॉइंट है, अदरवाइज पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ लिखा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये चीज पता ही नहीं लग रही है ना, तो जरूरी है कि इसके नीचे अपने को एक अंडरलाइन वगैरह कर देना चाहिए, बराबर। बहुत सीधी सीधी सी बात हो गई, अब मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर फर्स्ट पॉइंट जो नोट्स में है उसके हिसाब से इन्होंने फर्स्ट क्लास लिख दिया, सेकंड पॉइंट में लिख दिया मे नॉट बी एडिक्वेट वाला पॉइंट लिख दिया, और बच्चों इन्होंने यहाँ पे शायद एग्जाम्पल भी डाला है, फिर थर्ड पॉइंट भी लिखा इन्होंने, फोर्थ भी लिखा इन्होंने, फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे लिख करके दिया है इन्होंने, सिक्स पॉइंट भी, छह पॉइंट करीब इन्होंने यहाँ पे बना करके लिखे हैं, ठीक है। 7 में से सर 5 मार्क ही इनको क्यों मिले, 1 मार्क मुझे लगता है कि यहाँ पे कटा है कहीं पे, बराबर 6 नंबर तक आ जाने चाहिए होते हैं इसमें से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मार्क्स भी दिए, वो स्टेप 1 पूरा का पूरा मिला करके ओवरऑल इनको 5 नंबर जो है वो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अलॉट किए हैं, तो मे भी मुझे लगता है जहां तक मेरा मानना ऐसा है कि मार्क्स यहाँ पे 6 नंबर तक आ जाने चाहिए थे, ठीक है 6 नंबर तक आ जाने चाहिए थे, उतने पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बराबर से लिखे हैं, तो इतना आंसर सफिशियंट है, यानी
मैं अगर इस कॉपी को चेक करता तो मैं 6 मार्क्स इसको यहाँ पे दे सकता था, ये मैं आपको कह रहा हूँ। 1 नंबर उन्होंने अपने हिसाब से कम दिया है, ठीक है, क्यों कम दिया है, हो सकता है पूरा आंसर पढ़ने के अंदर कहीं पॉइंट का मिसमैच रहा हो, हालांकि मे नॉट बी एडिक्वेट वाला पॉइंट आ गया, कंसिडरेशन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट आ गया, है ना, समथिंग पॉजिटिव और नॉट टू डू समथिंग हो सकता है, कंसिडरेशन के बाद में मे बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हमारा हो सकता है। लगभग लगभग इन्होंने सारे पॉइंट लिखे हैं, पर ठीक है, 5 मार्क्स इनको मिले हैं, 1 मार्क मुझे लगता है कि 6 नंबर इनको मिलने चाहिए थे। चलिए जी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों ये आया, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच LLP will be liable and not liable for the act of the partner। बराबर, सीधा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, आप लोग ने LLP जब कर लोगे तब इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपको यहाँ से आंसर बताने जा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने क्या माना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, LLP is liable if a partner is the partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission। बराबर, उसके बाद में कंडीशंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे रखी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप देखो 5 मार्क में ये क्वेश्चन देने का मतलब है गोल्डन चीज हो गई है एक इंस्टीट्यूट ने, इतना सा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का दे दिया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर खत्म हो रहा है। बराबर, छोटा सा क्वेश्चन है, अल्टीमेटली है ही 4-5 लाइन का आपका क्वेश्चन है, सेक्शन वगैरह आपको दिए हुए, आंसर आपको दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि भाई वहां स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है वो कैसे लिखा है। चलिए जी, ये रहा आंसर, अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोविजंस ऑफ लिमिट, अच्छा इसमें इनको नंबर जो मिले हैं 5 में से 3 मार्क्स मिले हैं, मेरे हिसाब से अगर आंसर राइट होता है पूरा भी तो 4 मार्क्स तक इनको मिलने चाहिए थे। फिर अपन देख लेते हैं कि कहां दिक्कत हुई है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड फ्रॉम पार्टनरशिप। अब इन्होंने यहाँ पे LLP का डेफिनेशन वगैरह देने की कोशिश कर ली कि भाई पूरा डेफिनेशन दे दिया जाए, फिर जहां पे LLP लाइबल होती है वाली कंडीशंस बच्चों यहाँ देने की कोशिश की है, और ये कंडीशन हम चेक करें कि भाई क्या ये कंडीशंस हमारी मैच करती है क्या। बराबर, LLP विल नॉट बी लाइबल, अपने को तो मेन ये कंडीशन लिखनी थी, इफ अ पार्टनर हैज डन समथिंग विच वॉज नॉट विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, LLP विल नॉट बी लाइबल। If a partner has done something which was not within the क्या लिखा है, within the course of business, ऐसा कुछ लिखा है, मुझे नहीं लगता कि इनका answer कहीं proper पे जा रहा है। ये देखिए answer कहीं match ही नहीं कर रहा है, provision ही नहीं है, वो अपने हिसाब से लिखा गया answer, the partner has fact has no authority to act for LLP और second number पे person knows that he has no authority, ये answer होने चाहिए थे। यानी कि बच्चों वैसे देखा जाए तो ये आंसर प्रॉपर है ही नहीं, फिर भी इंस्टीट्यूट ने 3 नंबर इनको दे दिए। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं शायद 1 या 2 नंबर ही देता। बराबर, समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरे हिसाब से तो 5 में से 2 मार्क्स ही इसमें मिलने चाहिए होते, क्योंकि इन्होंने ऊपर का मैटर बैटर लिखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से कहीं रिलेवेंसी जो है वो अपने को नहीं दिख रही है यहाँ पे। यस, अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ वाली जो लाइन है, इफ अ पार्टनर डज समथिंग इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली लाइन भी हो गई, इफ अ पार्टनर हैज डन समथिंग विच एक्टिंग विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी, बीच बीच में कहीं कहीं पॉइंट मैच कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है बच्चों, तो मैं 1 नंबर यहाँ पे कट करता। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने बैलेंस बराबर किया है, मेरे हिसाब से वहां 1 नंबर ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ 1 नंबर कटना चाहिए था। अल्टीमेटली इनका नंबर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है वो 8 मार्क्स ही होता, अगर मैं भी ये कॉपी चेक कर रहा होता तो मैं वहां 1 नंबर यहाँ कट करता, वहां 1 नंबर बढ़ाता, तो हिसाब किताब बराबर होता है ना। तो मैंने बहुत सारी कॉपीज ऐसी देखी है जहां कई जगह पे हिसाब किताब अपने को बराबर नजर आएगा। बराबर, तो सीधा सीधा सा पॉइंट हो गया। चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन इनका यहाँ पे खत्म हुआ। अब बच्चों उसके बाद में आता है, इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद थर्ड की जगह पे इन्होंने क्वेश्चन काम में लिया है फोर्थ, एक क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलता है ना, तो चॉइस में इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन किया जिसमें 12 में से 7 मार्क्स इनको मिले हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात जो मैं आपको रोज कहता आया हूं, क्वेश्चन जब एक नया एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो 2 लाइंस के लिए काय को कंजूसी कर रहे हो। बराबर है ना, घर पे अपन करते हैं अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, तो यहां तो कम से कम मत करो, कॉपी है आपको इंस्ट्रक्शन होता है, उसी क्वेश्चन का पार्ट आप भले आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अब आप एक नया फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा आधा पेज भी नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइंस के लिए आपने वहीं से आंसर स्टार्ट कर दिया, भाई ये नहीं करना चाहिए आपको। बराबर, ध्यान रखेंगे हम लोग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पेज से आप लोग इसको स्टार्ट करना चाहिए था। ये मेरी तरफ से एक आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन है इस पेपर का, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आपको नेक्स्ट पेज से इसको चालू करना चाहिए था। बराबर, चलिए जी, तो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले तो कि क्वेश्चन था क्या, है ना, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इन्होंने नहीं किया है, तो मैं थर्ड को बिल्कुल हटा देता हूं यहां से,
और आपको मैं ले आया फोर्थ पे। यस बच्चे लोगों देखिए, वॉट आर दी राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यानी आपको पूछ लिया अनपेड सेलर के राइट्स, आप लोग बताइए जो भी गुड्स के अगेंस्ट में है, तो राइट ऑफ लियन हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया, राइट टू रीसेल वाला हमारा पॉइंट हो गया। छह नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यानी हर एक राइट दो नंबर का रहा होगा, बराबर तीन राइट है, हर एक राइट दो नंबर का रहा होगा। आइए देखिए आंसर कैसे लिखा है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन चालू किया, सबसे पहले अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं उसमें हमने सबसे पहला राइट ऑफ लियन समझाना शुरू कर दिया, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और यहाँ पे ये अपना आ गया सीधा सीधा सा राइट ऑफ लियन का, और दूसरे नंबर पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरे पे रीसेल वाला पॉइंट इन्होंने पूरा पूरा यहाँ पे फर्स्ट में समझाया बच्चों, और यहाँ पे इन्होंने दिया इसका डिटेल भी। डिटेल देना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है बिकॉज छह नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप सीधा डिटेल भी लिख के अनपेड सेलर का मीनिंग देकर के डिटेल देना चाहो हमको चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहां से आप देखो राइट ऑफ लियन कितना समझा है, जो मेन कंडीशन है वही लिखी है, इसके एक्सेप्शन इसका एग्जाम्पल कुछ भी नहीं चाहिए। स्टॉपेज एंड ट्रांजिट की भी जो मेन कंडीशन है वही लिखी है, भले पॉइंट्स फॉर्म में लिखो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो चलेगा। राइट टू रीसेल की भी इन्होंने बस मेन कंडीशन यहाँ पे लिखी है, कोई एक्सेप्शन वाले पॉइंट या इधर उधर वाले पॉइंट इन्होंने नहीं लिखे बच्चों, है ना। अदरवाइज तो आप सेक्शन 51, 52 ये भी लिखते हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। स्टॉपेज कब खत्म होता है, क्या होता है, कुछ नहीं। जब पता है छह नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना है अपने को, तो ये पॉइंट्स आपको तीन इस तरीके से लिखने चाहिए थे बराबर। और जैसा आपको मैंने बताया कितने मार्क का क्वेश्चन है, छह नंबर का बच्चों हमारा ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। आइए देखें इनको मार्क्स मिले छह में से चार, जनरली मैं कहता हूँ पांच तक आने चाहिए होते हैं, चार नंबर मिले, फोर मार्क्स है। चेक कर लेते हैं फोर मार्क्स क्यों आए भाई, क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द अनपेड सेलर हैज फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द गुड्स। यहाँ इन्होंने राइट्स दिए, सबसे पहले राइट्स ऑफ लियन समझाया है बराबर। If the seller is unpaid, unpaid है, buyer refuses to pay है, then seller has possession of the goods है, and any other provision किसका, of any other law, do not disallow them to unpaid seller has right to use the right of lien which states that an unpaid seller has right to retain the goods with himself until the amount paid वाली line से की हो गई। अब बच्चों इन्होंने जो पॉइंट लिखे कि सेलर हमारा अनपेड है, बायर पेमेंट करने से रिफ्यूज कर रहा है या फिर इंसॉल्वेंट हो गया है, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं आंसर करीब करीब यही है। ये देखो राइट ऑफ लियन है ना। अब राइट ऑफ लियन की स्टार्टिंग लाइन में आपको दिया हुआ था इस तरीके से कुछ की जो गुड्स है बच्चों वो क्रेडिट पर सेल नहीं है बराबर। गुड्स अगर क्रेडिट पे सेल भी हुए हैं तो अभी क्रेडिट का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ, जो मेन पॉइंट आपको दिया गया है वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। अब ये वाली दो लाइंस तो यहाँ पे कहीं दिखी ही नहीं है, तो कॉपी चेक कर तो देखेगा आंसर को। सर लेकिन और भी तो इतने सारे पॉइंट आप लिखो ना, वो सारे पॉइंट भी आपने लिखे तो हमको चलेगा, लेकिन इन्होंने जो आंसर लिख करके दिया वो इस तरीके से लिख करके दिया। सर ऐसे पता कैसे चलेगा, चलेगा ना भाई, पता क्यों नहीं चलेगा, आप आंसर को जब लिखेंगे तो ये सारी कंडीशन भी तो आपने पढ़ी है। सर लेकिन वो भी तो थी, वो अनपेड होना चाहिए बेटा, वो सब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स अंटिल पेमेंट और टेंडर द प्राइस, ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं बराबर। और हम जब आंसर में लिख रहे हैं कि सर वो यहाँ पे सीधा सीधा सा कि सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि द सेलर इज अनपेड, तो भाई जब अनपेड सेलर के राइट्स ही पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से लाइन लिखने का आपने को जरूरत ही नहीं होता है बराबर। बायर रिफ्यूजेस टू पे तभी अपन अनपेड में आ रहे हैं, मेन जो कंडीशन अपनी है वो यहाँ पे आनी चाहिए थी। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रॉपर आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए जी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट पूरा पूरा इन्होंने लिखा है, भले इन्होंने पॉइंट्स के अंदर लिखा है लेकिन सारी चीजें इन्होंने सेलर इज अनपेड फिर लिख दिया, जिसकी जरूरत वैसे थी नहीं। बाकी इंसॉल्वेंट है, गुड्स ट्रांजिट के अंदर है, वो सब बातें इन्होंने लिख दी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिख दिया है। अब यहां से अगर आपको मैं बताऊं तो इन्होंने लिखा वेयर द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट है ना, द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स हैज राइट टू स्टॉपिंग हिम ट्रांजिट, दैट इज टू से ही मे रिज्यूम पोजीशन ऑफ गुड्स। इसमें भी तो इतने सारे पॉइंट्स सर इंसॉल्वेंसी वाले और वो इंसॉल्वेंट आ गया ना, आपको पांच कंडीशन जो आपने अपने नोट्स में से पढ़ी आप दीजिए, यहाँ पे मना नहीं, इन्होंने पैराग्राफ में लिखा, पॉइंट्स के अंदर लिख दीजिए। सेम उसी तरह से राइट टू रीसेल भी आप वहां अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते थे, आप बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना चाहिए था, और इन्होंने यहाँ पे लिखा भी होगा। ये देखिए इतने सारे पॉइंट पांचों इन्होंने यहाँ पे लिखे, बढ़िया लिखा है। राइट ऑफ रीसेल भी इन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास दिया है। तो जैसा आपको मैंने कहा, मुझे लगता है कि फोर्थ क्वेश्चन में सिक्स में से फोर मार्क्स इनके आए, मेरे हिसाब से फाइव मार्क्स यहाँ पे आराम से आ जाने चाहिए थे, यानी एक नंबर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा आना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग बराबर। चलिए जी ठीक है, एक नंबर इनका और बढ़ना चाहिए था, इसमें आ जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट पे फोर्थ का बी क्वेश्चन अगर देखूं, जहां इनको मिले हैं छह में से तीन नंबर, जैसे मैंने कहा कि चार पांच तक तो पहुंचना चाहिए था
दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर भी, 6 और 6 12 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा। अब एक क्वेश्चन दिया गया, कंपनीज एक्ट का है, किसका है देखते हैं, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बच्चों। एक माइनर को इंट्रोड्यूस किया है बेनिफिट्स के लिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी 6 मंथ्स के अंदर भी ही फेल टू गिव अ नोटिस। हम जानते हैं अगर आप फेल हो गए तो आप डायरेक्टली पार्टनर मान लिए जाओगे कि भाई उसको इलेक्ट करना नहीं करना, उसने कुछ डिसाइड नहीं किया। लेटर ऑन मिस्टर एल सप्लायर ऑफ मटीरियल ऑफ एबीसी एंड कंपनी फाइल्ड सूट अगेंस्ट एबीसी फॉर रिकवरी ऑफ द डेट, केस फेस हो गया है। दो बातें पूछी है, व्हाट एक्सटेंट माइनर विल बी लायबल इफ ही फेल टू गिव नोटिस आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। फेल हो गया तो भाई जब से वो बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ था वहां से पार्टनर मान लिया जाएगा। कैन मिस्टर एल रिकवर हिज डेट फ्रॉम द एक्स, अगर ऐसा है तो रिकवर कर पाएगा, ऐसा कुछ आंसर देखें यहाँ पर। आइए आंसर चेक करते हैं, आईसीए क्या बोलता है। आईसीए बोलते हैं सर सबसे पहले तो आप वो प्रोविजन लिख दो आपका 6 मंथ्स वाला, लेकिन 6 मंथ और वो अपना जो पूरा पॉइंट है व्हिचएवर इज लेटर वाला नॉलेजेबल पर्सन वो पूरा प्रोविजन, और अगर वो फेल हो जाता है तो बिकम अ पार्टनर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, ये भी अपने को पता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे फाइनल आंसर दो चीजों का जो पूछा, सबसे पहला क्या हो गया, He becomes personally liable to third party for all act of the firm done since he was admitted to the benefit. Same line and notes ke andar. His share in the property and profit of the firm remains the same to which he was entitled as a minor. बराबर, तो वहां से जिस वक्त में उसको एंटर किया था वहां से उसकी प्रॉपर्टी और उसका जो शेयर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बराबर, ये अपने को आंसर के अंदर लिखना चाहिए था। फिर बच्चों प्रोविजन देने के बाद फाइनल आंसर भी लिखा है, आप देखो पहले ये समझाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, और फिर इन्होंने फाइनल आंसर बोला कि इस केस में अगर एक्स फेल हो जाता है तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा, पर्सनली लायबल होगा। अगले पार्ट के अंदर अगर फेल हो गया 6 मंथ्स के अंदर देने में, ही विल डीम टू बी अ पार्टनर आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, देयरफॉर एल जो है उससे पैसा रिकवर कर सकता है। तो बच्चों अपन ने यहां तक तो पूरा प्रोविजन ही समझाया है, ये पूरा प्रोविजन है यहां तक कि अगर नोटिस देने में फेल होते हो तो क्या होता है। तो पूरा प्रोविजन इतना देने के बाद फिर फाइनल आंसर के दो पैराग्राफ्स आ गए अलग अलग, और आप देखें 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बराबर से दोनों पार्ट 3-3 नंबर के हैं इंक्लूडिंग प्रोविजन। बराबर, कि भाई पूरा प्रोविजन भी आपका आ जाए, फाइनल आंसर भी आपका आ जाए, इस तरीके से आंसर होना चाहिए था। आइए देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने क्या लिखा है यहाँ पे। आंसर 4 का बी पार्ट आप लोगों के सामने है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, माइनर व्हेन एडमिटेड टू पार्टनरशिप ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बच्चों, इन ऑर्डर टू ही विल कंटिन्यू एज ए पार्टनर और विल नॉट, वो वाली लाइन तो आई नहीं, और व्हेन ही गेट नॉलेज अबाउट हिज इंटर्नशिप व्हिच एवर इज लेटर, वो आना चाहिए था। मैंने रोज पढ़ाते वक्त भी क्लास में बोला कि वैसे याद 6 मंथ रखा जाता है लेकिन आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। बराबर, और ही विल लीव द फर्म एंड इफ एनी नोटिस इज नॉट गिवन देन द माइनर विल ऑटोमेटिकली बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर एंड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटीज एज वेल। लेकिन अधूरा प्रोविजन है, कौन सी लाइबिलिटीज, कहां से वाली लाइबिलिटीज, है ना, जब आप एडमिट हो गए थे बेनिफिट्स के लिए तब से लगा करके आपका प्रॉफिट वगैरह शेयर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रोविजन पूरा नहीं आया। हाँ, आंसर हो सकता है करेक्ट हो, इन्होंने फर्स्ट आंसर बनाया कि एक्स विल बी लायबल टू द, बिल्कुल हो गया, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर विच ही वॉज एडमिटेड, फर्स्ट आंसर भी इन्होंने करेक्ट लिख दिया है, और सेकेंड वाला आंसर भी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, यस एल कैन रिकवर द अमाउंट, आंसर बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला भी। तो दिक्कत जो हुई वो हुई प्रोविजन, यहाँ पे थोड़े से मारे गए हमारे, प्रोविजन के मार्क्स यहाँ पे कटे हैं, 6 में से 3 नंबर आए हैं, 2 नंबर और आ सकते थे, प्रोविजन के मेन प्रोविजन जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं, वो जो राइट्स थे, जो नोटिस नहीं देता है उसका क्या होता है, और जो विच एवर इज लेटर वाला अपना पॉइंट था वो भी यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो मुझे लगता है प्रोविजन के मार्क्स इनके कटे हैं, तो यहाँ पे तो इनको मार्क्स इस क्वेश्चन में मुझे बराबर दिख रहे हैं। चलिए जितने दिए हैं उतने सही मार्क्स है, 1 नंबर का अब तक अपना जो है वो मैच नहीं हुआ है, कि जब मुझे लगता है कि 1 मार्क ज्यादा आना चाहिए था, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 1 नंबर जो है वो स्टूडेंट का कट किया है बराबर मेरे अकॉर्डिंग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में भी 2 पार्ट है 6-6 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन में इनको 6 में से 2 नंबर मिले हैं, सेकंड में 3 ही नंबर मिले हैं, बहुत बड़ा लेक यहाँ पे आया है, 12 में से 12 में से 5 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स सीधे सीधे से उड़े हैं, मतलब बड़ी डिफिकल्टी हुई। और फिर से बच्चों क्वेश्चन को उसी पेज से चालू कर दिया गया है, लगातार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सेंटर में लिखिए जैसा यहां इन्होंने लिखा है, और इसको कम से कम नए क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिए तो मार्क्स आएंगे आप लोगों के। फिर देखो 5th का क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते क्या है।
गीता वेंट टू द लोकल राइस मिसेस गीता लोकल राइस एंड वीट होलसेल शॉप एंड आस्क फॉर 100 केजी ऑफ बासमती राइस. शॉपकीपर ने प्राइस लगाया 125 पर केजी, जिसको एग्री हो गई है. इंसिस्ट किया कि सैंपल दिखाया जाए, तो जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसके बेस पे सैंपल भी आ गया है. शॉपकीपर शोल्डर है बाउल ऑफ राइस एज अ सैंपल, सेम एक्जेक्टली कोरस्पॉन्ड, बिल्कुल जैसा एंटायर लॉट से कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एंटायर लॉट भी वैसा ही है. बायर ने सैंपल एग्जामिन कर लिया है बिना इस नॉलेज के कि इवन दो द सैंपल वॉज द बासमती राइस बट इट कंटेन अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन. है तो बासमती लेकिन बड़े और छोटे इसके अंदर मिक्स है, और आपने मांगा क्या था, बासमती. ठीक है. द कुक ऑन ओपनिंग द बैग कंप्लेन दैट डिश इफ प्रिपेयर्ड विद दिस राइस वुड नॉट टेस्ट द सेम एज क्वालिटी ऑफ राइस वाज नॉट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश. तो गीता को उसके कुक ने बोला कि भाई जो हम डिश बनाने वाले वो इस चावल से बनेगी नहीं, क्योंकि ये उस क्वालिटी का नहीं है. Now Mrs. Geeta wants to file suit of fraud against the seller, blaming him to selling mix of goods and cheap quality rice, which he be successful. ठीक है. Explain the basic law on sale by sample. Clearly इन्होंने बोल दिया कि एक तो sale by sample को समझाओ आप under sales of goods act बराबर. फिर बोला decide the fate the case and option open to the buyer for grievance redressal as per provisions of sales of goods act. Buyer के पास में क्या इस matter पे rights वगैरह रहते हैं, क्या कुछ होता है वो आपसे पूछ लिया. एंड व्हाट बी योर आंसर इन केस मिसेस गीता स्पेसिफाई हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस. चलिए जी, बड़ा सा क्वेश्चन 6 नंबर का बनाया, काफी चीजें पूछ ली. बेसिक लॉन सैंपल बोला है तो ये तो आपको पूरा एज इट इज समझाना ही पड़ेगा, बाकी के क्वेश्चन आपके अलग हैं. ये भी बोल दिया अगर सिर्फ बासमती कहने की जगह वो बता देती कि एग्जैक्ट ये लेंथ का राइस मुझे चाहिए और फिर मिक्स दिए होते तो क्या करना होता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. बराबर. आइए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था. सबसे पहले बच्चों, इन्होंने सेल बाय सैंपल की जो हमारी इंप्लाइड कंडीशन थी उसको यहाँ पे इन्होंने पूरा पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है. बराबर. फर्स्ट पार्ट इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. चलिए जी, अब सेकंड में भी इन्होंने लिखा है सर, फर्स्ट में भी सेल बाय सैंपल लिखा है, पहले वाले में इन्होंने बराबर से बता दिया इंप्लाइड कंडीशन दैट बल्क उसके हिसाब से होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क वो उसको आपको देनी चाहिए. सब एक ही मिक्स करके भी आप आंसर को लिख सकते थे. तो इन्होंने लिख दिया फर्स्ट के अंदर, इन्होंने तीन आंसर बनाए बच्चों. अब इन्होंने आंसर को एक अलग तरीके से किया है, आप जरूरी नहीं है कि इस तरीके को फॉलो करें. बराबर. इन्होंने आंसर कैसे बनाया, इन्होंने क्योंकि इनको लगा बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले प्रोविजन पूरा लिख देते हैं और फिर उसके बेस पे फाइनल आंसर देते हैं. इन्होंने हर एक आंसर के साथ अलग अलग प्रोविजन डिस्क्राइब किया, इसलिए पहले वाले में भी सेल बाय सैंपल समझाया जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, उसी के बेस पे सेकंड भी समझाया है. व्हाट बी योर आंसर अगर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताती है, तो सेकंड पार्ट हो गया. फर्स्ट वाले में आपकी ग्रीवेंसेस के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो देखो इसका आंसर क्या दिया गया है, देखना. इन्होंने बोला है मिसेस गीता विल नॉट बी सक्सेसफुल, शी कॉजली एग्जामिन द सैंपल ऑफ राइस, आपने सैंपल चेक किया था उस वक्त भी मिक्स वाला सैंपल था, बिना इस बात का ध्यान किए कि जो है उसके अंदर मिक्स ग्रेन है, आपने चेक किया था ना, तो जब आपको ध्यान नहीं आया और सेल वाइज सैंपल जब हुए और सैंपल बल्ब से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर की कोई गलती नहीं है, आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले नहीं हो. ठीक है. सेकेंड पार्ट में इन्होंने फिर से बच्चों ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं दी आपको, इन्होंने देखो वापस पूरा ऊपर वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज इन्होंने बस एक पॉइंट और ऐड करके ये वाला इन्होंने वापस समझाया. आप चाहते तो उसी के साथ लिख सकते थे पूरा एक प्रोविजन, फिर अपने आंसर उस प्रोविजन के बेस पे ला सकते थे. ठीक है. इन द इंस्टेंट केस द बायर डज नॉट हैव ऑप्शन अवेलेबल टू हिम इन ग्रीवेंस रिडसल, इसमें आप जानते हो कि इस मैटर में जब सैंपल से गुड्स मैच कर रहे हैं, आपके सैंपल जो दिखाया था उससे गुड्स मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको रिडसल का मतलब कोई रेमेडी वगैरह मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी. लेकिन अगला जो पार्ट था कि अगर गीता एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता देती लेंथ ऑफ राइस की, देन इम्प्लाइड कंडीशन होती कि उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुड्स होने चाहिए. बराबर. और अगर ऐसे नहीं हुए तो फिर यहाँ पे सेलर को हम लाइबल करने वाले हैं. बिल्कुल सेलर लाइबल होगा, आपको बोल दिया था जब हमने, तो हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स उसी की तरह के होंगे. सर सैंपल दिखाया था ना, लेकिन सैंपल से भी मैच कर रहा हो लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट से मैच नहीं कर रहा हो, मतलब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा हो, तो भी हमको कैंसिल करने का राइट है. तो ये सब मिला जुला सा हमारा एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन हो गया. आप देखें भाई कि स्टूडेंट क्या लिखते हैं, देखिए क्योंकि इनमें इनको सिर्फ मिले हैं बच्चों 6 में से 2 नंबर दिए गए हैं खाली, तो चेक करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अ बायर हैज सेम स्पेसिफिक पर्पस फॉर बाइंग इट सम पर्पस, ही शी मस्ट स्पेसिफाई इट टू द सेलर एज वन थिंग कैन हैव मूव देन वन यूजेस. Moreover, caveat emptor states that it is the duty of buyer to inspect the goods and buyer himself is responsible for his bad choice. He वहां से answer को लेके आए. In the case, Mrs. Geeta examined the sample casually and didn't notice the quality and the rice.
इफ यू वुड हैव नोटिस इट प्रॉपरली, बच्चों आंसर जो है वो कहीं पे उतना प्रॉपरली मजा नहीं आ रहा है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन, इट इज बायर्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड केवियट एम्प्टर स्टेट्स दैट द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स, बच्चों डिफेक्ट्स थोड़ी थे ये गुड्स के, एंड बायर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इज बैड चॉइस, बराबर जैसा यहाँ कहा गया है। और देन बैड चॉइस वाली लाइन वापस आ गई, बेसिक लॉ फिर इन्होंने बोला कि सैंपल स्टेट्स दैट this must correspond to the sample shown and in the case the sample also contain rice of long and short grain which correspond, ye wali lines bachcho samajh mein aati hai ye wali, lekin upar wala sir lekin caveat emptor bhi to lag raha hai, is pe lag raha hai bachcho, lekin question mein pura answer cell by sample ke base pe dene ko bola hai to kyun ja rahe ho caveat emptor mein, hai na, jab aapko question instruction de raha hai ki humko pura answer cell by sample aur uske baad wala aapka description pe chahiye, तो क्यों अपने को वहां पे केवियट एम्प्टर को डालना है। पूरा स्टार्टिंग का प्रोविजन जब कॉपी चेकर मैच करेगा तो उसको तो हर जगह केवियट एम्प्टर दिखेगा, जो आपके आंसर शीट में है ही नहीं इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में। तो जब सेल बाय सैंपल बोला है तो फिर सेल बाय सैंपल ही दो ना, इधर उधर से क्यों लाए। हाँ बाद में आप लगा देते उसको भी तो चलता, लेकिन मेन प्रोविजन उठा करके आप नहीं लगा पाओगे बच्चों। जब बोल दिया सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर होता कि कैसे होगा तो आप लगा सकते थे केवियट एम्प्टर, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन जब बोल दिया इसीलिए उन्होंने दिया क्वेश्चन में कि हमको सेल बाय सैंपल से इसका आंसर चाहिए, है ना। नाउ बेसिक लॉ वाला पॉइंट भी इन्होंने कुछ लिखा है, इन द केस सिंस गीता ओन मिस्टेक कैन नॉट फाइल अ केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की बात ही नहीं की, मतलब फ्रॉड की बात ऊपर आ चुकी है वो तो अलग से, द ओनली ग्रीवेंस रिड्रेसल अवेलेबल टू कॉल देम ही कैन आस्क फॉर एक्सचेंज ऑफ राइट्स, नहीं रेमेडी वाली चीज के अंदर सीधा सीधा सा भाई, अब इन्होंने लिख दिया कि एक ही राइट है कि एक्सचेंज करवा सकते थे, वो भी अगर सेलर एग्री हो तो फिर राइट कहाँ रहा है आपका, अब सामने वाले के एग्री होने पे आपको काम करना है तो वो तो आपका राइट है नहीं बच्चों। तो प्रॉपर कुल मिलाकर के इतना बड़ा आंसर लिखने के बाद भी हमको ये लग सकता है कि हमने तो इतना बड़ा लिखा था हमको नंबर क्यों नहीं मिले, बच्चों आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं है। लास्ट वाले का भी आंसर जो है विल बी हेल्प क्वालिटी देन ओनली वुड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे भी इन्होंने क्वालिटी वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड कर दिया, जो चाहिए था वो था ही नहीं, तो दो नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी हमारी आंसर की वो यहाँ पे कवर नहीं हुई है, तो यहाँ पे दो नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं, कहीं पे गलत नहीं है, अपने को ध्यान रखना है बराबर। नेक्स्ट में भी इनको तीन नंबर ही मिले हैं, फिफ्थ के बी के अंदर फाइव मार्क का हमारा क्वेश्चन था, फोर मार्क्स तक आ जाने चाहिए होते हैं जैसा मैं आपको रोज बोलता हूँ, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे ख्याल से मेमोरेंडम इज अ चार्टर है और ब्रीफ कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स है आपके स्टडी मैट के अंदर देखे भी रखे हुए हैं बराबर, और देन उसके बाद में जो हमारे छह इसके कंटेंट्स वाले पॉइंट आते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन की आंसर में क्या हुआ है बराबर, आंसर चेक कर लेते हैं साथ में। तो ये इन्होंने मेमोरेंडम के बारे में सब कुछ लिख दिया है, एमओ इज डिफाइंड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट इन द एक्ट एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज फ्रे अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ एनी द प्रीवियस कंपनी लॉ, बेटा यहाँ पे लिखा एज फ्रेम अंडर कंपनीज एक्ट। अब हमेशा ध्यान रखो, आपको मैंने हमेशा बोला एक चीज, जब आप एक्ट लिख रहे हो बच्चों तो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा करो बराबर। आप कभी भी किसी भी आंसर को इंस्टीट्यूट का उठा करके देखेंगे, ये देखिए एक्ट हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर आता है ना, हम लोग फटाफट के अंदर जब आंसर को लिखते हैं तो सब चीजें भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी कई बार आपके मार्क्स को उड़ाएंगी बच्चों, तो ये नहीं करें आप लोग, लॉ का पेपर है बराबर, गलती नहीं करनी है। फिर इन्होंने यहाँ पे दे दिया है सारा नेम सिचुएशन ऑब्जेक्ट क्लॉज लाइब्रेरी क्लॉज कैपिटल क्लॉज भी इन्होंने दिया है, लास्ट में जाकर के सब्सक्रिप्शन क्लॉज के बारे में भी लिखा है, ठीक है। लेकिन मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स वाले पॉइंट्स को ये प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाई, इसीलिए एक नंबर थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे लगता है कि सिक्स में से यहाँ पे भी थ्री मार्क्स इनको मिले हैं, जहां तक मुझे लगता है ऑब्जेक्ट्स अगर प्रॉपर लिखे होते तो दो मार्क्स और मिल जाते, दो मार्क्स और का मतलब होता कि सिक्स में से करीब करीब मैं मानता हूँ कि फाइव मार्क करीब आ जाते अगर ये ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर तरीके से लिखे होते तो, लेकिन नहीं लिखे गए तो आधे नंबर ही मिले इनको, तो इस वजह से नंबर कटे। हद से इतना जितना मैटर लिखे उसमें मैं एक आध नंबर ज्यादा मान सकता हूँ कि हाँ भाई एक नंबर और इनका आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कॉपी जाकर की चॉइस पर रहेगा कि वो अगर ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देख रहा है तो वहां पे नहीं प्रॉपर लिखा गया है, क्योंकि तो मार्किंग में कई बार स्टेप्स रहता है वहां पे कि कितना आपने लिखा उसे आपसे कितने नंबर मिलने चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बराबर। चलिए जी फिर आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिक्स वाला जो क्वेश्चन इन्होंने किया है बच्चों, तो सिक्स में इनको 12 में से सिर्फ 4 मार्क्स ही मिले हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 5 में से सिर्फ 2 ही मिले, 4 में से भी 2 ही मिले और थर्ड क्वेश्चन में तो 0 मार्क्स अलॉट हो गया है, तो इसका मतलब देखते हैं भाई कि आखिर इतना बड़ा लोचा कैसे हुआ, किधर गड़बड़ हुई और बच्चों फिर से आंसर वहीं से स्टार्ट किया है
बराबर। तो रेगुलर आपको मैं बोल रहा हूँ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आप अपने आंसर को वहीं से स्टार्ट करते जा रहे हो, भाई मत करना ऐसा। इस बार क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क का कोर्जन आपसे पूछ लिया गया, इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन आपके क्या होने चाहिए, कोर्जन के इफेक्ट्स आपको बताने को कहा गया कि बताइए इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। देखो सीधा सीधा सा कोर्जन का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए क्या होता है, और वो डेफिनेशन देने के बाद इफेक्ट्स के अंदर पहला इफेक्ट अवॉइडेबल होता है, ठीक है। दूसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस वाला पॉइंट हमारा था कि जो बेनिफिट हो जाए वो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे वाला पॉइंट था, और पर्सन अंडर होम मनी हैज बीन पेड एनीथिंग डिलीवर अंडर सेक्शन मस्ट बी रीपे और रिटर्न वाले 3 पॉइंट्स आपको इफेक्ट के अंदर देके रखे हुए हैं, बराबर। इस बेस पे 5 मार्क का आपका क्वेश्चन बनता है। देखें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने पहले डेफिनेशन तो समझाई, फिर बच्चों डेफिनेशन 6 की समझाने के बाद में इन्होंने फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स में सिर्फ एक इफेक्ट लिखा है बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का लिखने के बाद में इन्होंने सिर्फ क्या किया, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट लिख दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ को लिखने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों, और ये देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ इन्होंने लाइन्स भी छोड़ी है। लाइन्स इसलिए छोड़ी होंगी मेरे हिसाब से कि इनको भी लगा होगा कि यहाँ पे इफेक्ट्स पूरे नहीं आए, इफेक्ट्स और आने चाहिए जो याद नहीं आए होंगे, है ना। तो 5 में से 2 नंबर बिल्कुल सही दिए गए हैं क्योंकि आपने इफेक्ट्स के पॉइंट उड़ा दिए वहां पे जो पॉइंट्स आने चाहिए थे। तो जितने मार्क्स दिए गए हैं वो सही मार्क्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीधा सीधा सा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का 4 नंबर का अपना क्वेश्चन है, बराबर। यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स दिए हैं, मेरे ख्याल से स्टडी मैट में भी 5 पॉइंट होते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पे लिए होंगे। आंसर स्टडी मैट के बेस पे होता है, अपने नोट्स में है तो आप वहां से भी पढ़िए। और कहा होगा कि कोई भी 4 पॉइंट्स भी अगर स्टूडेंट लिखता है तो 1 पॉइंट का 1 नंबर दे देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ कोर्ट स्कोप एंड फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी मार्क्स 4 में से 2 ही मिले हैं। सर क्यों मिले, क्योंकि पॉइंट्स ही मैच नहीं कर रहे हैं। बच्चों आंसर आपने सही लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन पार्टनर आपने लिख दिया कि रिलेशन ऑफ पार्टनर एंड होता है, यहाँ पे खाली रेशियो में चेंज होता है, बराबर। यहाँ रिवैल्यूएशन रिलेजेशन का पॉइंट लिख दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, फिर इन्होंने सोर्सेस का पॉइंट यहाँ पे लिखा है बच्चों, यानी इनके पॉइंट्स के नाम में सोर्सेस है, रिलेशन बिटवीन पार्टनर है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। जबकि बच्चों यहां से जब अपना देखा जाए तो ये हमारे पॉइंट ही मैच नहीं करते हैं, है ना। ध्यान में रखेंगे आप इस बात को कि हमारे जो पॉइंट्स है वो ये होने चाहिए थे, मतलब जितने पॉइंट्स आपके भी आपने एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां जितने पॉइंट्स आपको देके रखे हैं वो तो अपने को लिखने चाहिए थे, वो मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो चीजें होनी चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे भी आकर के मार्क्स जो है वो कट हुए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना था, ठीक है। चलिए जी अब आपको ले आता हूं मैं लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड वाला क्वेश्चन सीधा सीधा कंपनीज का क्वेश्चन है, डिंशा मैनेजी पेटेंट का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा। एसएससी लार्ज इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी के लिए प्राइवेट कंपनीज को जो ओपन की इनकम ट्रांसफर किया, सबको आता है क्वेश्चन, क्या ए बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड, नहीं होगा। हाँ यहाँ पे क्या ए को सेपरेट माना जाएगा, क्या कहते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा, सब जानते हो इसका आंसर, डिंशा मैनेजी पेटेंट के ऊपर बेस है। तो सर यहाँ तो इन्होंने सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिखा है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मेन केस जो है वो सोलोमन वाला है, इसलिए लोग कई बार इससे शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। और ये देखो डिंशा मैनेजी पेटेंट भी दिया है, बराबर। तो डिंशा मैनेजी पेटेंट के केस का रेफरेंस भी दे दिया, देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो इतना केस को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी। मेन आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल आ गया, देन आप केस को समझा करके फाइनली कि भाई यहाँ पे अपन फाइनल आंसर लिख सकते थे कि यहाँ ए को हम सेपरेट नहीं मानेंगे, ए ही मानेंगे, कंपनी के साथ में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल हो के रहेगा, ये अपने को फाइनल आंसर में देना चाहिए था। अब देखें कि यहाँ इनको 0 मार्क्स जब अलॉट हुए तो भाई ऐसा क्या हो गया कि 0 मार्क्स अलॉट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं लिखा गया भाई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीधा प्रोडक्शन रेवेन्यू लेकर के छोड़ दिया गया है, तो 0 मार्क्स बट ऑब्वियस मिलने ही मिलने थे। तो बच्चों ये सारा का सारा पेपर आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है, पूरा का पूरा पेपर। तो सर हमारे लिए सजेशन क्या है बच्चों, रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, और इस चीज को अभी आप जो यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं उसमें इस बात को लेकर डिप्रेशन में मत आइए कि हमारे यहाँ पे 60 में से 60 क्यों नहीं आए। सोचो आप कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम मार्किंग को उस तरीके से थोड़ा सा लेकर के आ जाएं कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट कैसा कर रहा है, पूरे में से पूरे नंबर वो नहीं दे रहा है तो हम इससे आ रहे हैं आपके 60 में से 60 आ जाते बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। लेकिन हम ये जनरली मान के चलते हैं कि भाई स्टूडेंट 54, 53, 55 तक पहुंचता है,
तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कई बार जैसे क्वेश्चन भी छूट जाता है बराबर बीसीआर का, और इसका आपको मैच करना भी कई बार मुश्किल रहता है कि आप टाइमली कर पाए नहीं कर पाए। तो मेरा आप सबसे सजेशन ये रहेगा, पूरा पेपर डिस्कस करने का मेरा रीजन ही यही था कि आप देख लें कि कैसे लिखा गया है और कैसे मार्क्स आए हैं, क्या क्या गलती हुई है। कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कि चलिए बगैर गलती के भी नंबर कटे, एक दो नंबर का वेरिएशन ओके है, बराबर ठीक है, दो एक नंबर हो सकता है कि भाई कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में कुछ और रहा हो। पर्सन टू पर्सन भी तो चीजें चेंज होती है ना, माना इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड लिख के दिए होंगे, लेकिन पर्सन टू पर्सन आपका खुद का माइंड भी तो काम करेगा वहां पे कि नहीं भैया आंसर ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो वहां पे एक दो नंबर का हमारा वेरिएशन आपको दिख रहा है। मानता हूं सीए में एक दो नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन हम बेटर से बेटर अपनी तरफ से कर सकें, ये हमारा एक बड़ा यहाँ पे लॉजिक हो जाएगा। बड़ा कह सकते हैं जो हम कर सकते हैं वो ये रहेगा बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए जरूर यूजफुल रहेगा, और चूंकि आप लोग अभी अभी पहली बार सीए का पेपर देने जाएंगे, पहली बार का मतलब फाउंडेशन लेवल पे, फिर आप इंटर और फाइनल पे जाएंगे, तो जैसे यहाँ पेपर है इंटर लॉ फाइनल लॉ का भी बिल्कुल वैसे ही है ना, तो 12th से आप निकल के सीधा इस पेपर के ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया गया ताकि आप लोग इसको देख करके बेनिफिट ले लें कि हाँ इस तरीके से यहाँ जो गलतियां हुई कम से कम वो गलतियां हम ना करें, बराबर ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की सारी बात, फिर ऐसे ही किसी वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, बस खूब सारी पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट, बाय, फिर मिलते हैं।